गाइस ये सपनों की दुनिया का लास्ट एपिसोड है, तो जितनी हो सके उतनी लाइक और कमेंट करो दबा के, हम भी देखें कि फियरलेस गैंग में कितनी पावर है। बाबू मोसाई 10-15 हजार कमेंट तो कर दोगे ना यार? और हाँ गाइस, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और पिछले एपिसोड में आपने देखा कि आदम और क्रिमिनल ने 7 ड्रैगन बॉल हासिल कर लिए, फिर ड्रैगन से विश मांग के इप्पू को जिंदा कर लिया और टॉयलेट का लोकेशन भी पता लगा लिया। अब आगे हुई, अरे चाचा वो देखो हमारा इप्पू वापस आ गया। आदम चाचा क्रिमिनल मैं तो वापस आ गया। हो, अरे मेरे भाई इप्पू तू वापस आ गया। हाँ मेरे छुटकू क्रिमिनल दोस्त, आई एम बैक। अरे आजा इप्पू गड़े मिल। अरे तुम्हारा हो गया हो तो अब हम टॉयलेट की लोकेशन पर चले, वरना फिर से अब सब खत्म हो जाएगा। वैसे बाबू मोसाई फिर टॉयलेट है कहाँ? अरे ये तो हमारे ताऊ जी की भंगार की दुकान के आसपास का लोकेशन दिखा रहा है। अच्छा तो मतलब ताऊ जी के ग्रेट ग्रैंडफादर ने इतना कीमती टॉयलेट एक भंगार की दुकान पे छुपाया है? हाँ इप्पू वो गजनी थे ना, तो रख के उनकी याददाश्त चली गई होगी। अरे ताऊ जी दुकान पर हो क्या, बाहर आइए। अरे आदम मेरे बच्चे तू आ गया, बता क्या हो गया? अरे ताऊ जी वो टॉयलेट का लोकेशन यही दिखा रहा है, तो आपको पता है गजनी दादा का कोई पुराना टॉयलेट यहाँ पर पड़ा है? अरे हाँ बेटा एक टॉयलेट तो पड़ा है, काफी सालों से वही टॉयलेट होगा शायद। अच्छा ताऊ जी तो कहाँ पड़ा है वो टॉयलेट, हमें उस जगह पे ले जाइए। अरे बेटा वो तो यहाँ भंगार में ही पड़ा है, चलो मेरे पीछे आओ तुम्हें दिखाता हूँ। फिर कुछ भी कहो इस टॉयलेट में जो टट्टी करने का मजा है ना, आहा वो 5-स्टार होटल के टॉयलेट में भी नहीं। अरे टकले तू फिर से आ गया टट्टी करने, निकल यहाँ से। अरे ये बुढ़ाव तो फिर से आ गया, भागना पड़ेगा। पर सुनो चाचा अपुन की आधी टट्टी इसमें ही रह गई है, वो साफ कर लेना। अच्छा आदम बेटा तो यही है वो टॉयलेट, तभी मैं सोचूं इसमें से बिजलियां क्यों निकलती है। हाँ सही कहा ताऊ जी, यही है वो मायावी टॉयलेट जिसमें हिप हॉप की शक्तियां कैद है, इसीलिए बिजलियां निकलती है भाई। अरे बाबा जी आप आ गए तो बताइए अब इस टॉयलेट का क्या करना है? बेटा अब इस टॉयलेट को नष्ट करना है तो चलो करते है। अरे बाबा जी आप ये व्लॉगर जैसा क्यों बोल हो, पार्ट टाइम ब्लॉगर हो क्या? अरे क्रिमिनल फियरलेस भाई ने इंस्टाग्राम पे फेस रिवील कर दिया क्या? पता नहीं सासा, चेक करना पड़ेगा। गाइस अगर आप भी जानना चाहते हो तो कमेंट में इंस्टाग्राम की लिंक है, चेक कर लेना और फॉलो भी कर लेना। अरे मूर्ख इंसानो थैंक यू मेरा टॉयलेट ढूंढने के लिए। अरे ये तो यहाँ आ गया, जल्दी से इसका टॉयलेट तोड़ दो। नहीं बच्चा अब टॉयलेट नहीं, तुम्हारी हड्डियाँ टूटेगी, अंधेरा कायम रहे मेरी जान। और अल्टीमेट हिप हॉप ने आके सबको मार दिया और प्राचीन टॉयलेट में से अपनी सारी शक्तियाँ वापस खींच ली। अब उसके सारे मायावी डिनोस भी वापस जिंदा हो गए और इस दुनिया में फिर से अंधकार फैल गया। बाबू मोसाई ये क्या हो गया, हमने इतनी मेहनत की टॉयलेट को ढूंढने के लिए पर आखिर में सब कुछ खत्म हो गया। हाँ हिप्पू पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये अल्टीमेट हिप हॉप को पता कैसे चल गया कि हमें टॉयलेट मिल गया है। मूर्ख आदम ये सब मेरी ही साजिश थी, मैं टॉयलेट नहीं ढूंढ सकता था इसलिए मैंने तुम सबको मोहरा बना के टॉयलेट ढूंढवाया। अच्छा मतलब तुझे पहले से पता था कि हम वो टॉयलेट ढूंढने जा रहे हैं? हाँ जब तुझे बाबा ड्रैगन बॉल के बारे में बता रहा था तभी मैं वही था। तो अब तुम क्या करने वाले हो हमारे साथ, हमें यहाँ बंदी बना के क्यों रखा है? वो तो तुम्हें थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा, पर उससे पहले मैं अपना जरूरी काम निपटा के आता हूँ। और डिनो ध्यान रखना इनका एक भी नुबड़ा भागने ना पाए। अरे हम तो बुरा फंस गए बाबा जी, आप यूँ कब से चुपचाप बैठे हो, बताइए हमारा क्या होगा? अरे बेटा डरो मत, जब जब आदम पे खतरा आया है तब तब फियरलेस मैन आया है उसे बचाने, इस बार भी जरूर आएगा। रे सरकार फ्री फायर वर्ल्ड में आदम खतरे में से, अल्टीमेट हिप हॉप ने उसे कैद कर लिया से। अच्छा तो ये अल्टीमेट हिप हॉप फिर से आजाद हो गया है, तो अब तो मुझे फ्री फायर वर्ल्ड में जाना ही पड़ेगा।
लो पहुंच गया मैं फ्री फायर वर्ल्ड में। यहाँ तो पहले जैसा ही अंधकार है, मतलब कि वो अल्टीमेट हिप हॉप का कहर वापस आ गया है। पर एक मिनट, ये आदम तो आजाद घूम रहा है, मुझे तो बोला था कि कैद हो गया है। आदम तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे फियरलेस भाई आप आ गए, मैं वो अल्टीमेट हिप हॉप का टॉयलेट नष्ट करने जा रहा हूँ, ऊपर क्लॉक टावर पे रखा है। चलिए आइए, आप भी आइए। ठीक है आदम, पर तू तो कैद था ना, आजाद कैसे हो गया? अरे मैं वो डीनो को चकमा दे के भाग गया, और वो सब छोड़िए वो रहा टॉयलेट, जल्दी से उसे नष्ट कर दीजिए। अच्छा, पर इसमें तो मुझे शक्तियाँ नहीं दिख रही, लगता है उसने वापस ले ली है। अरे अच्छे से देखिए ना भाई, उसमें ही होगी। नहीं यार, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। आज मेरा बदला पूरा हो गया तेरे से फियरलेस। अरे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई मेरे से, जो मैं तुझे पहचान नहीं पाया हिप हॉप। अफसोस फियरलेस, तूने देर लगा दी मुझे पहचानने में। जैसे तूने मेरी सारी शक्तियाँ निकाल ली थी, वैसे ही मैंने भी आज तेरी सारी शक्तियाँ निकाल के इस मायावी कमोड में कैद कर दी है। अच्छा, तूने मुझे धोखे से इस शक्तियाँ खींचने वाली रिंग में बुला के पीछे से वो मायावी छुरा मार दिया, जिससे मेरी सारी शक्तियाँ निकल जाए और मैं कुछ ना कर पाऊँ। धोखे से वार करना तो कोई तेरे से सीखे हिप हॉप। मैं मेरी शक्तियों को वापस लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था और मैंने वही किया। तो चलो मेरे मायावी डिनोज, इसे भी काल कोठरी में डाल दो अपने साथियों के साथ, ताकि वो भी देखे कि अब इनका फियरलेस अल्टीमेट हिप हॉप का बाल भी बाका नहीं कर सकता। अंधेरा कायम रहे। अरे फियरलेस भाई आ गए, सड़ो अब तो हम बच जाएंगे। हाँ बाबू मोसाई, चलो अब अल्टीमेट हिप हॉप को खत्म कर देते हैं। अरे अब मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अल्टीमेट हिप हॉप ने मेरी सारी शक्तियाँ धोखे से कैद कर ली है। अरे बेटा जो भी करना है जल्दी करो, मुझे प्रेशर आया है, वरना मैं यहीं पे कर दूंगा, फिर बदबू मारेगी पूरी काल कोठरी। नहीं ताऊ जी, कंट्रोल कीजिए थोड़ी देर, हम कुछ करते हैं। बाबा जी अब तो फियरलेस भाई भी कुछ नहीं कर पाएंगे, अब हमारा क्या होगा बताइए। अरे बेटा, जिसने भी Q&A वीडियो देखा है उसे पता होगा कि फियरलेस एक नहीं दो है, तो अब दूसरा फियरलेस आएगा हमें बचाने। अरे ये क्या हो गया, मायावी डिनोस तो गायब हो गए। बेटा इसका मतलब कि दूसरा फियरलेस आ गया है। फिर आ गए फियरलेस भाई, यार क्या कर रहे हो, जल्दी से अल्टीमेट हिप हॉप को मार के हमें बसा लो। नहीं रे, मेरे पास वो लड़ने वाली ताकत नहीं है, मैं उसका सामना नहीं कर पाऊंगा। अरे ये क्या बात हुई, तो किसके पास है लड़ने वाली ताकत? अरे वो लड़ने वाली ताकत तो मेरे पास है, पर अभी वो हिप हॉप ने छीन ली है। बाबू मोसाई तो आपके पास कौन सी ताकत है फिर? मेरे पास स्क्रिप्ट चेंज करने की ताकत है। ये लो, मैंने ताली बजा के हिप हॉप को खत्म कर दिया, तो फिर उसका साम्राज्य भी खत्म और अंधकार भी खत्म हो गया, सब कुछ नॉर्मल। अरे नहीं नहीं, हम ड्रैगन बॉल ढूंढने गए, हिप्पू वापस आ गया मर के, इतनी मेहनत की हमने और आपने ताली बजा के सब कुछ नॉर्मल कर दिया, ऐसा नहीं चलेगा। नहीं फियरलेस, कोई दूसरा रास्ता है सब कुछ नॉर्मल करने का। हाँ फियरलेस भाई, फिर से सब नॉर्मल कर दो, अंधकार ला दो। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये लो हो गया अंधकार, आ गया हिप हॉप वापस। अरे सासा, अगर आपने उस दिन गोबिता से गैजेट नहीं लिया होता ना, तो ये कुछ नहीं होता। मिल गया आइडिया, हमें टाइम ट्रैवल करना पड़ेगा और उस दिन जाना पड़ेगा जब आदम को नोबिता ने गैजेट दिया, और इस बार हमें उसे रोकना होगा गैजेट लेने से। ठीक है, तो फिर मैं और आदम जाते हैं उस वक्त में जब नोबिता फ्री फायर वर्ल्ड में आया था। तो चलो मैं तुम्हें उस वक्त में भेज देता हूँ। ये लो आदम, हम उस वक्त में पहुंच गए जहां तूने गैजेट लिया था। हाँ वो रहा, सामने नोबिता भी खड़ा है अपने एनीवे डोर के साथ। अब एक काम करो, सामने बाइक पड़ा है वो लेकर नोबिता को दे दो, बात खत्म। ठीक है। अरे नोबिता क्या हो गया भाई, क्यों खड़ा है इधर? अरे कुछ नहीं, मैं दोला केक लेने आया था, इधर दोला केक तो मिला नहीं, पर मेरा एनिवेल डोर खराब हो गया। अरे कोई ना, तू एक काम कर, मेरा ये बाइक ले जा। ठीक है यार, सिर्फ तू ही अच्छा आदमी है यहाँ पर, तो चल मैं तुझे बदले में डोलेमोन का गैजेट दूंगा, सपने सच होने वाला। अबे नहीं चाहिए मुझे गैजेट वैजेट, रख तू, निकल यहाँ से। हाँ डाला हूँ, नूब लेके गुस्सा क्यों हो रहा है, एक तो गैजेट दे ला हूँ और ऊपर से गुस्सा हो रहा है। चलो अब हिप्पू के लिए डायपर रह गया है, और हाँ सुअरों के लिए शैम्पू की बोतल, वो सब लेके मैं घर चला जाऊंगा। देख आदम, तू तो आ रहा है पर नोबिता नहीं है, इसका मतलब सब सही हो गया है। चलो अब हम चलते हैं।
और सकुरी यहाँ क्यों खड़ी हो, घर जाना है, चलो आ जाओ ट्रैक्टर में, लिफ्ट दे देता हूँ। और इस तरीके से नोबिता आडम को गैजेट नहीं दे पाया और हिप हॉप का सपना सच ही नहीं हो पाया। इसका मतलब अब सब कुछ नॉर्मल हो गया और आडम चाचा आ गए फिर से वही वक्त में जहां पर ये सब शुरू हुआ था। और ये बात सिर्फ आडम को ही पता है, बाकी सब ये बात भूल चुके हैं कि हमारी दुनिया खतरे में आ गई थी और उसे आडम चाचा ने बचा लिया। अरे वाह, ये देखो हिप्पू तो कैसे आराम से सो रहा है, इसे सोने देता हूँ। और ये देखो सारे क्रिमिनल्स भाइयों को कितने दिनों के बाद देखा साथ में। और इसी तरीके से सपनों की दुनिया सीजन 2 का द एंड होता है। ओए।